कामगार। हमेला भर और फेंक क्या उधर बेटा, मैं लाइन में तुमसे पहले खड़ा हूँ, जाओ पीछे खड़े हो जाओ। अच्छा, अब तुझसे सीखना पड़ेगा क्या करना क्या नहीं। चुपचाप खड़े रहने तो फूट जाएगा। अपने बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या? एक बार बोला ना, देखो चुप बैठने के लिए समझ में नहीं आता। चल अब ठीक हो ना बाबा? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। ओ सरनजीत, यहाँ का हीरो। एक काम कर ले, तू इस बुड्ढे की दुख भरी कहानी सुन ले जब तक मैं खाना खा लेता हूँ। ये रोटी दाल। खाना बाद में खाना। ले बाबा से माफी मांग। माफी तो नहीं मांगूंगा। चलो खाना खा लो। शुक्रिया बेटा। संजीत, सीआईडी ऑफिसर्स तुमसे मिलना चाहते हैं। हेलो संजीत। हेलो सर। आपकी ईमानदारी और अच्छे काम के बहुत चर्चे सुने हमने। आप तो एक सच्चे आईएएस ऑफिसर थे। आप मेरी तारीफ करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए एसीपी साहब। मैं मुझसे अन्याय और अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे हमें क्यों बुलाया आपने यहाँ पर? एसीपी साहब, मैं सीआईडी की मदद लेना चाहता हूँ। हमारी मदद? इंस्पेक्टर अभिजीत, मैं चाहता हूँ कि आप एक एक्सीडेंट केस की इंक्वायरी करो। एक्सीडेंट केस पर? ये तो पुलिस का मामला है। हाँ सरंजीत, एक्सीडेंट के मामले में सीआईडी की क्या जरूरत है? जरूरत है एसीपी साहब, क्योंकि मुझे यकीन है कि ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। मर्डर? किसका खून हुआ? उसका नाम निरंजन था। मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता था। मुझे शक है कि किसी ने जानबूझकर उसका मर्डर किया है। मिस्टर सरंजीत, आप हमें पूरी बात अच्छे से बताइए, क्या हुआ क्या था? निरंजन एक सोशल वर्कर था। वो अपनी पोती टीना की मर्डर केस की सच्चाई जानने के लिए सबूत ढूंढ रहा था। उन्होंने जेल में मुझे चिट्ठी भेजी जिसमें लिखा था कि उन्हें असली खूनी का पता चल गया है। वो सबूत लेकर पुलिस स्टेशन जा रहा है। ए? पुलिस तक पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। तो टीना का खून हुआ था। लोग समझते थे कि टीना ने आत्महत्या की है,
लेकिन निरंजन जानता था कि उसका खून हुआ है, इसलिए मैंने उसकी मदद के लिए कार्तिक को भेजा। कार्तिक उससे पहले वहां पहुंचे, निरंजन का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ये केस जरूर लें। ठीक है सरंजीत जी, आप चिंता मत कीजिए, हम उन दोनों के खूनियों को जरूर ढूंढ निकालेंगे। थैंक्स। थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है सरंजीत, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ना हमारा भी फर्ज है, हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे अपने आप पे इतना गुस्सा आ रहा है, मैं उन्हें बचा नहीं सका सर। देखो कार्तिक, तुमने कोशिश तो की थी। नाकामयाब कोशिश, अगर 5 मिनट पहले मैं पहुंच जाता तो शायद ये खून होने से रोक सकता था मैं। हम तुम्हारे जज्बात समझ सकते हैं कार्तिक, बहुत बुरा लगता है जब हम चाहते हुए भी किसी को बचा नहीं सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ कार्तिक, क्या हुआ, क्या था वहां पर? उस दिन मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा रहा था, मुझे पता था कि निरंजन जी सारे सबूत लेकर पुलिस स्टेशन जाने वाले हैं, लेकिन इंक्वायरी चल रही है सर। अरे सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे क्या हुआ? किसी बुजुर्ग इंसान का एक्सीडेंट हुआ है सर। जी जी हाँ सर, खबर लगती है आपको मैं खबर करता हूँ। निरंजन जी? जी सर। सर ये मिला है बटुआ, ये टूटा हुआ चश्मा, घड़ी और फोन, इसके अलावा और कुछ नहीं सर, बस इतना ही सामान है। सर इसका मतलब खूनी ने निरंजन जी को मारने के बाद सारे सबूत वहां से उठा लिए थे। मगर कार्तिक, जब तुम्हें पता था कि वहां से सारे सबूत गायब है तो उसी वक्त तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया है? सर पुलिस मुझसे वहां सबूत होने का सबूत मांगती है जो मैं दे नहीं सकता था। सनी जी ने मुझे कहा था और मैंने विश्वास कर लिया, लेकिन पुलिस मेरा विश्वास क्यों करती? अब वैसे भी इस केस से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है कार्तिक, थैंक यू वेरी मच मदद के लिए, अगर मेरी जरूरत पड़े प्लीज लेट मी नो। थैंक यू सर। सर हमें उस एक्सीडेंट की जगह जाकर तहकीकात करनी चाहिए। हाँ दया, और स्टीना की मौत की भी तहकीकात करनी पड़ेगी। हाँ सर, निरंजन जी के पास सबूत भी था कि टीना की मौत एक आत्महत्या नहीं बल्कि मर्डर है, और इसी सबूत को मिटाने के लिए निरंजन जी का खून भी कर दिया खूनियों ने। टीना की मौत में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। पता लगाना पड़ेगा कि टीना ने क्या खुद बालकनी से कूद कर जान दे दी, या फिर किसी ने उसे धक्का दे दिया। टीना जो अपने घर की बालकनी में से गिरी, वो बिल्कुल यहां आके गिर गई, यहां पर है ना? एक मिनट दे, इस फोटो को देखो, गौर से देखो इस फोटो को। टीना की हथेली पर खून लगा हुआ है, हथेली पर खून लगा हुआ है, मगर दया जब टीना अपनी बालकनी में से नीचे गिरी तब उसके हाथ खून से दूर थे, दूर। तो फिर टीना की हथेली पर खून आया कैसे? हाँ सर, जमीन पर खूनी हथेली के छाप यहाँ देखिए, जमीन पर पड़ी है। हाँ सर, ये देखिए इस फोटो में भी, ये टीना के हाथ उसके शरीर से काफी दूर है, मतलब हाथ पे खून लगना तो असंभव है सर। एग्जैक्टली, इसका एक ही मतलब है दया, जो कुछ भी हुआ है टीना के घर में ही हुआ, टीना के घर में।
निरंजन जी का एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ था। ट्रक उस तरफ से आया था और वो पुलिस स्टेशन जा रहे थे। हाँ सर, जब ट्रक वहां से आ रहा होगा तभी निरंजन जी यहाँ से रास्ता क्रॉस कर रहे होंगे और एक्सीडेंट हो गया होगा। लेकिन फ्रेडी, पुलिस के मुताबिक एक्सीडेंट का कोई चश्मदीद गवाह है ही नहीं। एक काम करते हैं, वहां चल के देखते हैं जहां से ट्रक आया था। अरे ये क्या, ये रास्ता तो बंद है। सर फिर तो ट्रक यहां से आया ही नहीं होगा। वही तो फ्रेडी, जरा बुलाओ उसको। अरे सुनो भाई, एक मिनट। हाँ सर, ये कब से चल रहा है काम यहाँ पे? एक हफ्ता हो गया सर। एक हफ्ता? हाँ। ये दो तीन दिन पहले यहाँ पे कोई ट्रक खड़ा था क्या? मैंने तो नहीं देखा सर। अच्छा ठीक है, जाओ। सर अगर ये रास्ता पिछले एक हफ्ते से बंद है तो फिर इस ट्रक ने निरंजन जी को पीछे से कैसे मारा? सर खून का निशान। मैंने कहा था ना दया, जो कुछ भी हुआ यहीं पे हुआ, यहीं पे, यहीं पे। क्योंकि ट्रक वहां से आया और शायद यहीं कोने में खड़ा हो गया। यहाँ खड़ा होकर निरंजन जी का इंतजार करता रहा और जैसे ही निरंजन जी दिखे ट्रक ने उनको उड़ाया और वापस मेन रोड से फरार। लेकिन सर इतने बड़े ट्रक को किसी ने तो देखा होगा। हाँ फ्रेडी, किसी ने तो देखा होगा। ये देखिए सर, हॉल में भी खून के निशान है। यहां पे तो कुछ नहीं है सर। सर इस तरफ है खून के निशान। आगे तो दीवार है, दीवार पर मार के देखो। सर ये देखो दया, खून के निशान है लेकिन दिखाई नहीं पड़े क्योंकि खूनी ने सारे खून के निशान मिटा दिए थे। लेकिन टीना की मौत कैसे हुई? टीना पर जरूर किसी ने गोली चलाई थी जिसकी वजह से उसके खून के छींटे ऐसे दीवार पर उड़ गए। लेकिन सर पुलिस की रिपोर्ट में ऐसे गनशॉट के जख्म का कोई जिक्र है ही नहीं। शायद उन्होंने देखा नहीं होगा। लेकिन सर ये कैसे मुमकिन है कि पुलिस वालों को पता ही नहीं चला कि टीना को गोली लगी? ऐसे हो सकता है सचिन, हो सकता है, क्योंकि काफी साल पहले मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था एक केस में। पर सर टीना की लाश का पोस्टमार्टम हुआ था तो फिर जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया उसने अपने रिपोर्ट में गोली के बारे में लिखा क्यों नहीं? वही तो, और फिर इसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मान लिया कि टीना ने आत्महत्या कर ली। इसका मतलब है पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर भी मिला हुआ था। सर इस निरंजन जी का शक सही था, टीना का खून ही हुआ। हाँ दया बिल्कुल सही है। सुनिए जरा एक बात बताइए, जिस दिन टीना की मौत हुई क्या आप लोग जानते हैं कोई मिलने आया था टीना से, या फिर आप लोगों ने कोई आवाज सुनी हो? जरा याद करना है? नहीं सर, पर जब टीना गिरी थी तो हमने उसकी चीख सुनी थी सर।
किसी ने गोली चलने की आवाज सुनी थी? नहीं सर। मतलब सर गन पे साइलेंसर लगा हुआ था? हो सकता है, हो सकता। वॉचमैन तुम्हें तो पता होगा ना कौन आया था टीना से मिलने के लिए? साहब इस बात को 2 महीने हो गए, कुछ याद नहीं है। अच्छा तो तुम्हारे पास एंट्री रजिस्टर और फिर सीसीटीवी कैमरा तो लगे हुए हैं, वो तो होगा ना उसका रिकॉर्ड? हाँ वो है। बस फिर वो एंट्री रजिस्टर और सीसीटीवी का फुटेज दोनों चाहिए हमें। सर मैंने एक लाल कलर का ट्रक देखा था, वो उस दिन वहां खड़ा था। यहाँ पे खड़ा था इसीलिए उन लोगों ने नहीं देखा। अच्छा ये बताइए ट्रक का नंबर याद है आपको? नहीं सर नंबर तो मैंने नहीं देखा। उस ट्रक ड्राइवर के बारे में कुछ याद है? वो अपनी नीली रंग की शर्ट बदलकर दूसरी शर्ट पहन रहा था। मैंने उससे कहा भी कि वो ट्रक हटाए, मुझे रास्ता साफ करना है, मगर उसने मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, वो ट्रक में ही बैठा रहा। नीले रंग का शर्ट? जी सर, और उस नीले रंग के शर्ट पर एक पीले कलर का बैच भी था। नीली शर्ट और पीला बैच? सर लगता है वो आदमी किसी सिक्योरिटी एजेंसी के लिए काम करता होगा। हो सकता है फ्रेडी। और कुछ याद है उस ट्रक ड्राइवर के बारे में? उसका चेहरा, वो दिखता कैसा था? उसकी बड़ी सी मूछे थी और दाहिने गाल पर एक मस्ता भी था, बस इतना ही याद है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। पता लगा ऐसी कौन सी सिक्योरिटी एजेंसी है जिसका ड्रेस नीले रंग की शर्ट और पीला बैच है? सर जिस डॉक्टर ने टीना की नकली पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई थी वो भी फरार है। एक काम करो, निखिल को बोलो उसके घर पे नजर रखे और जैसे ही वो दिखाई दे हमें तुरंत इन्फॉर्म करे। नहीं सर मैं इसे नहीं जानता, कौन है ये लड़की? अभी मैं भूल गया था सर, ये लड़की ये तो टीना है, हमारे ऑफिस में काम करती थी। अच्छा आखिरी बार टीना से कब मिले थे आप? ये उसकी मौत से शायद 2-3 दिन पहले। कहाँ मिले थे? मैं ऑफिस में मिला था सर। सर वैसे मेरी उससे ज्यादा जान पहचान नहीं थी, हम ऑफिस में ही मिलते थे सिर्फ। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑफिस में ही मिलते थे। जी सर। सचिन चल। वॉचमैन। जी सर। इन्हें पहचानते हो? हाँ साहब, ये इमरान साहब है, टीना मैडम को अक्सर घर छोड़ने आते थे। ये झूठ बोल रहा है सर, ही इज लाइंग। तुम जा सकते हो। वैसे जिस दिन टीना का खून हुआ उस दिन तुम कहाँ थे? सर मैं ऑफिस में ही था सर। ऑफिस में थे? जी सर। सचिन जरा। सर तुम ऑफिस में थे तो फिर ये कौन है? सर, कोई जुड़वा भाई भी है क्या? सर है? नहीं नहीं, सच सच बताओ, टीना के घर गए थे या नहीं बताओ। हाँ सर। कितने बजे गए थे? ये 12:45 के आस पास के। 12:45 के आसपास। ये देखो तुम बिल्डिंग के अंदर 11 बजे गए थे और बिल्डिंग से बाहर निकले 12:45। हो सकता है सर, मैंने टाइम नहीं देखा था सर। मैं उसकी बिल्डिंग के बाहर गया, मैंने दरवाजा खटखटाया पर किसी ने खोला नहीं, फिर मैं वापिस चला आया सर। मैं मतलब 45 मिनट तक तुम टीना के घर का दरवाजा खटखटाते रहे हैं? शकल से बेवकूफ लगते हैं हम लोग।
मैंने टीना को मारा था। हाय टीना। हाय मैं। आओ अंदर आओ। अरे कैसे हो? अच्छा। अच्छा बैठो मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ। सॉरी टीना। मैं तुम पागल हो गए हो क्या मैं? प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं नहीं। I'm sorry. नहीं, नहीं, नहीं मैं। ऑफिस के एक सीनियर रिपोर्टर इतेन ने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं टीना का मर्डर करता हूं तो वो मुझे प्रमोशन दिलाएगा। सिर्फ प्रमोशन के लिए तुमने एक निर्दोष लड़की की जान ले ली? हाँ? समझ में नहीं आ रहा तुम कैसे इंसान हो। ले जाओ इसे। चलो चलो। इस सीनियर रिपोर्टर हितेन से मिलना होगा। हितेन सर तो यहाँ नहीं है। तो कहाँ है हितेन? सर पता नहीं, कल उन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया? आप कौन है? सर मेरा नाम अरविंद है और मैंने आज ही हितेन की जगह ज्वाइन किया है। और आप? मैं नीता हूँ, अरविंद सर की सेक्रेटरी और इससे पहले हितेन सर की सेक्रेटरी। तो आप ये बता सकती हैं कि हितेन और टीना इनके बीच में कोई झगड़ा वगैरह हुआ था क्या, या कोई अजीब बात घटी थी? हाँ सर, मैंने टीना और मिस्टर हितेन को किसी बात पे बहस करते हुए सुना था। मिस्टर हितेन टीना को कोई प्रोजेक्ट छोड़ने के लिए कह रहे थे। वो उस प्रोजेक्ट में 3 लोगों को एक्सपोज करने वाले थे और टीना बहुत जिद कर रही थी कि वो उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगी। कौन 3 लोग? सर मुझे उन लोगों के नाम नहीं पता, लेकिन हाँ मिस्टर हितेन को मैंने किसी विनय जी का नाम लेते हुए सुना था। कह रहे थे कुछ बहुत बड़े आदमी हैं और कहा था कि अगर उन्हें ये बात पता चली तो टीना को जान से मार देंगे। विनय? ये विनय कौन है कुछ मालूम है? नहीं सर। अच्छा ये हितेन कहाँ बैठता था? सर वो रहा हितेन सर का कैबिन। सर हो सकता है हितेन के कंप्यूटर से कुछ पता चल जाए हमें। नो सर, आपको हितेन के कंप्यूटर से कुछ पता नहीं चलेगा। किसी ने उसकी हार्ड डिस्क को जला दिया है। हार्ड डिस्क जला दी? कहाँ है वो हार्ड डिस्क? सर केबिन में। ले आ। जी। ये सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है। सर ये नहीं। सर हितेन तो बहुत चालाक निकला, लगता है हार्ड डिस्क पे एसिड डाल दिया है, पूरा डाटा खराब हो गया होगा। आ निकल। क्या डॉक्टर को पता चल गया? आ निकल। क्या है वो डॉक्टर? सर वो सामने चाय की दुकान पे लाइनिंग रंगीन शर्ट और गमछा डाले है वो है सर। चलो मिलते हैं उससे, लेकिन ख्याल रखना वो भाग ना जाए।
इसे क्या हो गया? डॉक्टर साहब, सर ये तो मर गया। मर गया? हाँ सर, लेकिन अभी तो अच्छा खासा झाक सर, लगता है किसी ने इसकी चाय में जहर मिला दिया। निखिल, एम्बुलेंस बुला। श्रेया, क्या मिला तुमने चाय में जो पीते ही उस आदमी की मौत हो गई? नहीं साहब, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया तो तुम्हारी दुकान की चाय पीकर उसकी मौत कैसे हो गई? अरे मैडम, मैं तो उसको जानता भी नहीं, फिर मैं उसे क्यों मारूंगा? आपको विश्वास नहीं होता ना, तो मैं चाय पी के दिखाता हूँ। ये देखिए मैडम, हुआ क्या मुझे कुछ, और इन सब लोगों ने भी चाय पी है। अगर चाय में जहर होता तो इनको कुछ होता, इनको कुछ हुआ क्या? बरसों से मैं ये चाय की दुकान चला रहा हूँ, आप मेरे धंधे को चौपट क्यों कर रहे हैं सर? सर बात तो उसकी सही है, बाकी किसी को कुछ भी नहीं हुआ। हाँ श्रेया, लेकिन किसी ने तो उस चाय में जहर मिलाया था, कौन हो सकता है? एक सेकंड है, यहाँ पर एक आदमी बैठ, अखबार पढ़ रहा था, कहाँ गया वो? कौन सा? उसने काली टी शर्ट पहनी हुई थी, उसने हाथ में बैंडेज था, कहाँ गया वो? मुझे नहीं मालूम साहब। आप लोगों में से किसी ने उसे जाते हुए देखा? हमने तो नहीं देखा। भाग गया, जरूर उसी ने डॉक्टर की चाय में जहर मिलाया था। नाम तो नहीं पता, लेकिन उसकी मूछे हैं और शायद दाहिने गाल पे मसा है। ओह, शायद आप रघु की बात करें। क्या आप रघु को यहाँ बुला सकते हैं? मैम, रघु की ड्यूटी इस वक्त एक दवाई कंपनी में लगी हुई है, वो वहीं होगा। कौन सी कंपनी है? ओपेक फार्मा कंपनी सर। हेलो, क्या? अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ सर? विनय का पता चल गया है, वो भी उसी जेल में है जिस जेल में सरनजीत है। हम तुमसे टीना के बारे में पूछताछ करने आए। टीना का नाम तो नहीं भूलोगे तुम? देखो विनय, हम जानते हैं कि तुम्हें सब कुछ पता है, बेहतर होगा तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो। देखा सर, कहा था ना मैंने, ये कुछ नहीं बोलेगा, बड़ा आदमी है ना, और इसे अच्छी तरह से मालूम है कि ये जेल में है और कोई इसे हाथ भी नहीं लगा सकता। सर, बड़ा बिजनेसमैन था ये, और इस बड़े बिजनेसमैन ने कोई तो बड़ा कांड किया है। इसका पर्दाफाश टीना करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। लेकिन सर, हमने टीना और उसके दादाजी का केस लिया, ये बात इस जेल से बाहर कैसे गई? सर होना हो, ये काम जरूर विनय का ही है, क्योंकि जब एसीपी सर सरनजीत जी से मिलने यहाँ आए थे, तब शायद विनय यहीं कहीं आसपास मौजूद था। जरूर ये खबर विनय ने ही बाहर भेजी होगी, क्योंकि उसी के बाद रघु और सीनियर एडिटर हितेन रफु चक्कर हो गए और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का खून हो गया। ये नामुमकिन है सर, क्योंकि विनय को किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं। अनिल जी सर, यहाँ आप इनसे पूछ सकते हैं, ये हमेशा विनय पर नजर रखते हैं। जी सर, साहब ठीक कह रहे हैं, यहाँ विनय जी के ड्राइवर के अलावा कोई नहीं आता। ड्राइवर? अच्छा, वो क्यों इनसे मिलने के लिए आता है? सर, विनय जी जेल का खाना नहीं खाते हैं, तो उनका ड्राइवर उनके लिए घर से खाना लाता है। विनय के ड्राइवर से मिलना होगा, वही बताएगा कि ये खबर अंदर से बाहर कैसे गई। मैं तो विनय सर के घर से टिफिन का डब्बा लेकर जेल में देने के लिए जाता था सर। झूठ बोल रहे हो तुम, सच तो ये है कि तुम रोज विनय से कोई संदेशा लेकर आते थे। बताओ क्या खबर देता था वो तुम्हें? मुझे नहीं पता साहब, खाने के बाद वो हौलदार मुझे डब्बा वापस देता था साहब, और मैं वो खाली टिफिन का डब्बा आराम बिल्डिंग फ्लैट नंबर 203 में दे देता था साहब।
जी हम सीआईडी से आपसे मिस्टर विनय के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। विनय? कौन विनय? बिजनेसमैन विनय, जो फिलहाल जेल की सजा काट रहे हैं और जिनका खाली टिफिन रोज आपके फ्लैट पर पहुंचा दिया जाता है। ऐसा तो कुछ नहीं, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। अभी गलतफहमी हुई है या नहीं ये तो पता चल ही जाएगा। फिलहाल ये बताइए आप कौन हैं और आपके साथ और कौन रहता है इस फ्लैट में। जी मेरा नाम सिबी है, मैं एक स्टूडेंट हूँ और यहाँ भाड़े पर रहती हूँ अकेली। सिबी क्या हमें नर आ सकते हैं? नहीं नहीं, मैंने कहा ना मैं अकेली रहती हूँ यहाँ। अकेली? वो पैंट किसकी? ये पैंट ये शर्ट आपके तो नहीं लगते? फोटो में ये आदमी कौन है सिबी? मेरा भाई रघु। ओ तो ये है रघु जिसने निरंजन जी को ट्रक से उड़ाया था। अभी कहाँ मिलेगा ये रघु? मुझे कुछ नहीं पता सर, रघु कभी मुझे कुछ नहीं बताता। अभी भी थोड़ी देर पहले आया था, पता नहीं कहाँ चला गया। श्रेया निखिल तलाशी लो घर के। सर अंदर कमरे में ये टूटी हुई सीढ़ी मिली है। किसने तोड़ी है सीढ़ी? है क्या सीढ़ी में? मुझे कुछ नहीं पता सर, वो कमरा तो रघु का है, शायद उसे ही कुछ पता होगा। ठीक है, जैसे ही रघु का पता चले हमें खबर करना और कोई होशियारी मत करना क्योंकि हमारी नजर अब तुम पर है। सर रघु के घर जो सीडी मिली थी, डेटा इंजीनियर उस सीडी से कुछ रिकवर कर पाए हैं। हमें उससे अब खत्म करना होगा। सर ये तो वो बिजनेसमैन है, तो विनय कुछ नहीं कर पाएंगे। और सर ये तो वो सीनियर रिपोर्टर हितेन है। हमारा सारा बना बनाया प्लान बिगड़ जाएगा। हितेन, मैं तुम्हारे साथ पूरा सहमत हूँ, उसका जिंदा रहना ना हमारे लिए ठीक नहीं है। चिंता मत करो दोस्तों, मेरे पास एक और प्लान है। अब ये सारा मामला समझ में आ गया दया। टीना ने इन तीनों की बातचीत सुन ली और फिर उसी बातचीत को उसने रिकॉर्ड भी कर लिया। और विनय हितेन और इस तीसरे अनजान आदमी को किसी तरह से पता चल गया था कि टीना को उनके प्लान के बारे में पता चल चुका है और इसीलिए इन तीनों ने टीना को मार डाला। लेकिन इस वीडियो में तीसरा अनजान आदमी कौन है इसके बारे में अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर एक बार ये हितेन और रघु हाथ में आ जाए ना तो तीसरा आदमी कौन है ये भी पता चल जाएगा। हाँ सरंजीत, गुड। वैसे भी तुम जैसे लोगों की जरूरत जेल के अंदर नहीं जेल के बाहर ही है। और बता। ओके ठीक है एंड गुड लक। ओके दया, संजीत जेल से रिहा हो गया। सर ये तो बहुत अच्छी खबर है। अगर सर ये हितेन रघु और इस तीसरे अनजान आदमी को ढूंढेंगे कैसे सर? विनय, विनय नमस्ते सर, कहाँ चलना सर? गाड़ी चार्ज कीजिए, रास्ता मैं बताता हूँ। जी अपना प्लान काम कर गया सर। हाँ जी, ये विनय को भनक भी नहीं लगी कि हमने जानबूझकर उसे जेल से रिहा करवाया है।
हाँ सर, उसे लग रहा होगा कि उसके अच्छे बर्ताव की वजह से उसे जेल से रिहा किया गया। सर वो तो रघु है। हाँ, अब देखते जाओ, सब एक एक करके आ जाएंगे। नितिन कहाँ है? और रघु, धीरज रखो, सब लोग आ जाएंगे। खाली हाथ तो नहीं आएंगे, रोकड़ा साथ लाने को कहा है ना। रघु, तू जो कुछ भी कर रहा है ना, बहुत गलत कर रहा है। अच्छा अब तुम हमें बताओगे क्या सही है और क्या गलत। तुम लोगों ने जो कुछ भी किया है ना, सब पता है मुझे, मुझे बताने की जरूरत नहीं, समझे? लगता है आपस में बहस हो रही है। हाँ दया, लगता है कोई प्रॉब्लम शुरू हुआ है। हितेन, तुम भी आ गए, अभी खाली हाथ? मेरी बात याद नहीं तुम लोगों को? प्रभु, लालच ने तुझे अंधा कर दिया है। नो लेक्चर, ओनली पैसा, पैसा निकालो मेरे, समझे? मैं लेकर नहीं आया हूं पैसे, वो लेकर आ रहा है और मारेगा तुम्हारे मुंह पर सारे पैसे। तुम लोगों की सलामती के लिए तो यही अच्छा होगा कि वो पैसे लेकर आ जाए, वरना मेरे पास तुम लोगों के खिलाफ जो सबूत है वो सीआईडी के पास पहुंच जाएंगे। हाँ पूर्वी, क्या खबर पक्की है? ये चक्कर है। ओके, क्या हुआ? सर, ये ओपेक फार्मास्यूटिकल कंपनी के तीन मालिक हैं, विनय, हितेन, और तीसरे का नाम तो चौंकाने वाला है। कौन है? लगता है ये तीसरा आ गया, तीसरा पार्टनर। मेरे पैसे दो मुझे और सबूत लेकर जाओ, वरना मैं तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगा। My God!
कार्तिक, मैं तुझे अपना दोस्त समझता था। क्या उन दोनों को पकड़ो, छोड़ो मत। भागने का बहुत शौक है तुझे। एक दवाई की कंपनी की आड़ में विनय, हितेन और मैं गैर कानूनी काम करते थे और इस बारे में एक गवर्नमेंट ऑफिसर को पता चल गया, इसीलिए हमने उसे खत्म करने का फैसला किया। लेकिन टीना को हमारे इरादों के बारे में पता चल गया, इसीलिए तुमने उसे भी मार डाला। हाँ, हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की पर वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। बंदी थी, बहुत तेवर दिखाती थी वो लड़की। आत्महत्या का रूप देकर तुम लोगों ने टीना का खून कर दिया, लेकिन टीना के दादाजी निरंजन को तुम लोगों के खिलाफ सबूत मिल गए और इसलिए तुम लोगों ने उन्हें भी मरवा दिया। तुम लोगों ने अपने साथी रघु, उसे भी मार दिया और उस डॉक्टर को भी जिसने गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई है। एक झूठ छुपाने के लिए तुमने कितनी जानें ली। जी करता है कि यही काट दूं तुम लोगों को। इन तीनों को तो फांसी होगी सरजीत, तीनों को फांसी ही होगी। ले जाओ इन्हें। सरजीत, अगर तुम सच्चाई के लिए लड़ाई शुरू नहीं करते, अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाते तो यह नामुमकिन था। हमें तुम पर गर्व है, वाकई तुम हो सिंह साहब द ग्रेट। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।